नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। निकाय चुनाव के लिए बसपा पक्ष में यूपी में इमरान मसूद को अहम जिम्मेदारी दे रखी है, लेकिन इमरान मसूद का मोदी प्रेम मायावती की मुश्किलें बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि एबीपी गंगा की पदयात्रा में कहा है कि वैचारिक रूप से मैं नरेंद्र मोदी का विरोधी हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मोदी से प्रभावित हूं। अपने पुराने बयान से उन्होंने तौबा करते हुए कहा कि उनका बयान तोड़ मरोड़कर पेश किया गया था। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां पर अपने को उनको लेकर के हालांकि यहां पर तारीफ की है पीएम मोदी की, लेकिन अपने पुराने बयान को लेकर कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश यहां पर किया गया है। तो इमरान मसूद यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए हैं, जो कि बसपा की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। वैचारिक रूप से पीएम नरेंद्र मोदी का विरोधी हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे प्रभावित हूं, ये कहते हुए इमरान मसूद नजर आए हैं। क्या सोचते हैं, बुरा सोचे, इस पर सवाल हो सकता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आपके आप देश के प्रधानमंत्री से प्रभावित ना हो, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, खबर दे रहे हैं आप। मैं तो सच बात बोल रहा हूँ भाई, आप ये तो से प्रभावित। अरे कैसी आप बात कर रहे हो, एक आदमी कहाँ से उठा और कहाँ चला गया, आप उसको कितना कम इतना कम कैसे आंक सकते हो भाई? ये बड़ी बात कर रहे हैं। अरे तो आप इसे कम कैसे आंक सकते हैं, मुझे बताइए ना। देखिए, अगर मैं उनका वैचारिक रूप से विरोधी हूँ, तो क्या उनका व्यक्ति जो उनका व्यक्तित्व उसके बारे में जो सच्चाई है उससे आंख मेर सकता हूँ? कैसी आप बात कर रहे हो? अफसोस है जो मोदी जी पे आपने बोला था। निश्चित रूप से वो मैंने बोला भी नहीं था, सही बात तो ये है, वो मैंने बोला भी नहीं था। वो इस तरह के शब्दों का मेरे यहाँ, ये वेस्टर्न यूपी है, यहाँ ऐसे ही बोलते हैं भैया आप, असमें गाली गलौज होके बात होती है, वो मुँह से निकली भी बात है, उसे आपने पूरा प्रचारित कर दिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में आज खाप पंचायत जंतर मंतर पहुंचेगी। खाप चौधरियों ने खिलाड़ियों से अभद्रता करने वाले दिल्ली पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके अलावा पंजाब की सबसे बड़ी किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन ने भी पहलवानों का समर्थन यहाँ पर किया है, और आज उसके अध्यक्ष जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब से महिलाएं जंतर मंतर पहुंचने वाली हैं। इधर हरियाणा और राजस्थान की तकरीबन एक दर्जन खाप के चौधरी भी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और पहलवानों को अपना समर्थन दिया जाएगा। तो जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार जारी है, धरना जारी है, लेकिन इन सबके बीच अब अलग अलग राज्यों के भी किसानों का समर्थन, खापों का समर्थन यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। समर्थन देने पंजाब से भी लोग पहुंचने वाले हैं। पहलवानों के समर्थन में कई राज्यों के खाप चौधरी यहाँ पर उतरे हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यहाँ पर लगातार धरना दिया जा रहा है खिलाड़ियों की तरफ से, और मांग है गिरफ्तारी की। इसी को लेकर के पहलवानों की तरफ से कहा गया कि हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे, और इसको अब समर्थन मिलता दिख रहा है। कई राज्यों के पहलवानों का समर्थन अब यहाँ पर मिल रहा है और सभी जंतर मंतर पहुंचने ही वाले हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता चौधरी राकेश टिकैत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां हिंसा का ट्रायल करती है। दूसरे के स्टेट में आने के और भड़काने का काम नहीं करना चाहिए। जहां जहां चुनाव हो रहे वहीं वो होता है, चुनाव से पहले ये ट्रायल करते हैं वहां पे, तो इन्हें तो वोट कैसे मिलेगी, इनका पूरा फोकस उस पर रहता है, विकास पर फोकस नहीं है। अब फायदा होगा तो जब भी करवाती है, किसको कैसे बदनाम किया जाता है कहाँ। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार में जुटे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी आज अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली का दौरा करेंगे। यहां वे भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले अलीगढ़, फिर बदायूं, शाहजहांपुर और बरेली में आयोजित जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी आज भी चार जिलों में पहुंचेंगे, अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, और जनसभा की जाएगी। प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगी। आप निकाय चुनाव के प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं, दूसरे चरण को लेकर की तैयारियां और भी तेज कर दी गई है। धुआंधार प्रचार सीएम योगी का लगातार जारी है। तो निकाय चुनाव का जहां पहला चरण 4 मई को खत्म, तो दूसरा चरण 11 मई को है। यूपी निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को जिताने में जुटे संजय सिंह ने अयोध्या में प्रचार किया है। इस दौरान वे ईडी के एक्शन पर भी बोले, लेकिन केजरीवाल के आवास वाले विवाद पर बचते हुए नजर आए। इससे पहले उन्होंने बस्ती में चुनाव में बजरंग दल की एंट्री पर बयान दिया था और कहा कि किसी संगठन की तुलना भगवान से नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी
अपने पार्टी का नाम राम पार्टी रख ले तो क्या उस पार्टी की तुलना भगवान राम से होगी? यह बेहद ही गलत बात है और मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बजरंग बली का अपमान किया है। तीन जगह नाम लिखा है आपने कहा, उन तीनों जगहों पे जो नाम लिखा है उसमें कोई अपराध बनता ही नहीं था। जिन मुद्दे पे उन्होंने नाम लिखा है वहां उन्होंने लिखा कि संजय सिंह के डायरेक्शन पे मनीष सिसोदिया ने शराब की दुकान का ट्रांसफर किया। अब वो क्या कह रहे हैं, नहीं साहब राहुल सिंह के डायरेक्शन पे मनीष सिसोदिया ने शराब की दुकान का ट्रांसफर किया, संजय सिंह हमने गलती से लिख दिया। इसका मतलब ये पूरी पूरी जांच ही झूठी है, क्योंकि राहुल सिंह एक्साइज कमिश्नर है, वो अपने मंत्री को निर्देश छोड़ दे सकता है, अभी भी झूठ बोल रहा है ईडी। इसलिए मैं कह रहा हूं, इन्होंने कहा 14 फोन मनीष सिसोदिया ने गायब कर दिए, मैंने सारे नंबर दिखाए, सारे नंबर चल रहे हैं। इन्होंने कहा चंदन रेड्डी ने बयान दिया, उसके दोनों कान के पर्दे फाड़ दिए, उससे जबरन बयान लिया। तो ईडी पूरी जांच में एक्सपोज हो चुका है और मैं कहता हूं पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी जांच करते रहना। अगर संजय सिंह के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला साबित हो जाए, जितनी सजा कानून में लिखी है उससे 10 गुना ज्यादा देना। निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक आज बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर में जनसभा करेंगे। वे पहले बलिया, फिर बस्ती और सिद्धार्थनगर में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। तो डिप्टी सीएम भी लगातार मैदान में है, निकाय चुनाव को लेकर के प्रचार जारी है। उनकी तरफ से भी डिप्टी सीएम तीन जिलों में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। बृजेश पाठक अलग अलग जिलों में पहुंचेंगे और वहां पर प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील, भाजपा के लिए वोट करने की अपील लोगों से करेंगे, जनसभा की जाएगी। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, प्रचार लगातार जारी है। और बुलंदशहर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा घर घर जाकर के प्रचार करें। साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने सपा समेत विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि विपक्ष तो सिर्फ भ्रष्टाचार, बेईमानी, अराजकता और लूट खसोट में लगी रहती है। इसी के चलते जहां जहां इनके मेयर है उन शहरों में विकास दूर दूर तक नहीं दिखता है। तो यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी की तरफ से कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया है और कहा गया है कि घर घर जाकर के प्रचार करें कार्यकर्ता। कार्यकर्ताओं की बात करते हैं जी, बीजेपी में ही कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण है, किसी घर में नहीं है। मुलायम सिंह जी की पार्टी सन 92 से मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी का गठन करा, आज अखिलेश यादव तीत की पहुंची है 30 साल में। चाचा ताऊ को भी कोई संभावना नहीं है जी, बेचारे पीछे घूम रहे, आगे कोई मतलब नहीं। आप बताओ, हमारी बड़ी बहन है, हमारी पड़ोसन है लखनऊ में, हमारा घर बराबर नहीं हो सकता है, उसने कुंडली मारे बैठी है, कतई किसी को अभी तक कुछ नहीं दिया। मायावती ने कुछ नहीं दिया, आप लगातार सुप्रीमो बनी रहे। और भाई बहन की स्थिति बताइए आपको, मेरी पार्टी में 10 तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए और कम से कम 10 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, और मेरा तो देखो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुआ, मैं तो कभी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य तक नहीं रहा। निकाय चुनाव के प्रचार के बीच भाजपा अपना दल गठबंधन आज रामपुर के स्वर विधानसभा में विजय संकल्प रैली करने जा रहा है। इस रैली को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल संबोधित करेंगे। इस सीट में शफीक अहमद अंसारी को भाजपा अपना दल गठबंधन ने मिलकर के उम्मीदवार यहाँ पर बनाया है। स्वर विधानसभा में भाजपा अपना दल की रैली होने जा रही है, भूपेंद्र चौधरी और अनुप्रिया पटेल दोनों एक साथ संबोधित करने वाले हैं यहाँ पर लोगों को। शफीक अहमद अंसारी को गठबंधन ने अपना उम्मीदवार यहाँ पर बनाया है। तो निकाय चुनाव के बीच, निकाय चुनाव के प्रचार के बीच यहाँ पर स्वर विधानसभा में भाजपा अपना दल की रैली होने जा रही है, प्रचार यहाँ पर किया जाएगा। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का रण अभी खत्म नहीं हुआ है। ईवीएम को लेकर राजनीति अभी से गर्माने लगी है, क्योंकि सपा और बसपा ने स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा इसे विपक्ष की हार से पहले एकाएक एडवांस बहाना बता रही है। ड्रोन से ईवीएम की पहरेदारी,
सुरक्षा को लेकर सियासत भारी। ईवीएम पर उठे सवाल, भाजपा हुई लाल। जहां एक तरफ दूसरे चरण के प्रचार का शोर है, वहीं ईवीएम का जिन फिर एक बार निकलकर बाहर आ गया है, क्योंकि पहले चरण के मतदान के बाद सपा ने स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम की सुरक्षा पर अपनी चिंता जताई है, जिस पर अब दोनों डिप्टी सीएम ने मोर्चा खोल दिया है। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी कहती है कि उनके ईवीएम जो मशीनें हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनकी नजर बनी है। पूरी तरह से हम मतलब शुचिता पारदर्शिता के साथ चुनाव हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चुनाव में पराजय की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं वो, कि हारने के बाद क्या बोलेंगे, तो कहेंगे बूथ में कब्जा करा लिया। अगर वो जीत जाए कहीं चुनाव तो कहें कि भाजपा की हवा खराब है, और हार जाए तो कह दें कि ईवीएम खराब हो गई है या ईवीएम का दुरुपयोग हुआ है, बूथ पर कब्जा हुआ है, तो सपा बसपा कांग्रेस तो हार मान चुके हैं। गौरतलब है कि पहले चरण के मतदान के बाद सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखे हुए हैं, कहीं कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है, और जो भी स्ट्रांग रूम के बाहर संदिग्ध दिखाई दे रहा है उससे सख्ती के साथ पूछताछ की जा रही है। में ईवीएम को रखा गया है नवीन गल्ला मंडी समिति स्थल पर, ईवीएम के स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मियों का के घेरे में ईवीएम की सुरक्षा हो रही है। पीएसी के जवान भी तैनात किए गए हैं। हालांकि आगरा के जो सीपी का दावा है कि त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ से बैरियर लगाया गया वहाँ दो पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। अब सवाल बड़ा है कि ईवीएम को लेकर खड़ा हुआ सवाल 13 मई को नतीजों के बाद भी सुनाई देगा या फिर नतीजों को देख बदल जाएगा, क्योंकि ईवीएम के सवाल पर सत्ता ये कहते हुए पलटवार कर रही है, जीते तो मेहनत से, हारे तो ईवीएम से। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी। बसपा प्रमुख आज हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मायावती हैदराबाद के एलबी नगर में तेलंगाना भरोसा सभा रैली को संबोधित करेंगे। कल हैदराबाद पहुंचने के बाद उन्होंने दिसंबर में संभावित तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। तेलंगाना के बसपा नेताओं ने दावा किया है कि भरोसा रैली के जरिए बसपा की कोशिश किसानों, बेरोजगारों, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों और कमजोर वर्गों के बीच विश्वास पैदा करने की है। वह तेलंगाना में सरकार बनाने के बाद उनके कल्याण के लिए काम करेगी। 2014 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने 2 सीटों पर जीत हासिल यहां पर की थी, और आगे अपना विस्तार करने की कोशिश अब यहां पर बसपा की तरफ से की जा रही है। दिसंबर में दरअसल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, ऐसे में यहां पर अभी से ही बसपा अपनी रैली करने जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की कर्नाटक दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन है। उन्होंने 5 मई से कर्नाटक में डेरा डाल रखा है। आज भी वो सपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। सपा ने गुजरात में 1 विधानसभा सीट जीतने के बाद अब कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। यहाँ की 5 सीटों पर सपा अपनी जीत तय मान कर चल रही है। इनमें अफजलपुर, कलाबुर्गी, सोरबा, चित्रदुर्ग और मजबूत स्थिति में होने का दावा अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। शिवपाल यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा बेईमानी और अधिकारियों के दम पर जीत का दावा करती है, जबकि प्रदेश में जनता ने भाजपा को हटाने का मन बना लिया है। इधर भाजपा ने सपा पर पलटवार किया। औरैया में अजीतमल नगर पंचायत में शिवपाल यादव पहुंचे, सपा के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए रोड शो किया। इस दौरान तमाम सपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया। रोड शो के दौरान सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर कार्यकर्ता दिखाई पड़े। इस दौरान शिवपाल यादव ने निकाय चुनाव में बड़ी जीत के दावे के साथ भाजपा पर सरकारी सिस्टम के दुरुपयोग का बड़ा आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल बेईमानी से और अधिकारियों के बल पर ये बोलती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इन सभी मुकाबला करके और जीते, और इस समय पूरे प्रदेश में जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को हटाने में। शिवपाल लगातार भाजपा पर झूठ बोलने के आरोप लगा रहे हैं। शिवपाल के आरोप पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने करारा प्रहार किया और समाजवादी पार्टी को नया नाम दे दिया। वो सपा को समाजवादी पार्टी बनने से अब भतीजे के साथ लग गए हैं। जाहिर है निकाय चुनाव के दूसरे चरण के ज्यादातर मुकाबले में सीधी लड़ाई भाजपा और सपा के बीच है, जिसे जीतने के लिए दोनों पार्टियों के बीच जोर आजमाइश जारी है।
पौड़ी के खिड़सिंह खाल में और थूमाकोट इलाके में बाघ का खौफ देखा जा रहा है, जिससे ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि ये बाघ अब तक 2 लोगों की जान ले चुकी है और साथ ही कई मवेशियों पर हमला कर चुका है। हालांकि वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए इलाके में गश्त बढ़ा दी है, मगर ये बाघ अब तक विभाग को पकड़ से अभी फिलहाल दूर है। तो बाघ के नजर आते ही अब लोगों में दहशत यहाँ देखी जा रही है। हालांकि पकड़ने की जद्दोजहद यहाँ पर तेज कर दी गई है। धूमाकोट में जिस तरीके से बाघ यहाँ पर नजर आया है, आसपास के लोगों में दहशत। 2 लोगों की जान अभी तक ले चुका है ये बाघ। रिखनी खाल धूमाकोट में ये बाघ यहाँ पर नजर आया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने हालांकि गश्त यहाँ पर बढ़ा दी है, लेकिन अभी तक 2 लोगों की जान इस बाघ ने ले ली है। लोगों में दहशत, लोग खौफ के साए में यहाँ नजर आ रहे हैं आसपास के लोग। तो बाघ के दिखने के बाद से ही लगातार वन विभाग की टीम यहाँ पर गश्त कर रही है और पकड़ने की जो प्रयास है वो जारी है, लेकिन इस सबके बीच लोगों में दहशत यहाँ पर देखी जा रही है। 2 लोगों की जान बाघ ने ले ली है अभी तक। तो रिखनी खाल और धूमाकोट से ये खबर है, जहां पर बाघ का ये आतंक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बाघ को पकड़ने के लिए विभाग ने हालांकि यहाँ पर गश्त को बढ़ा दिया है। 2 लोगों की जान हालांकि फिलहाल अभी तक ये बाघ यहाँ पर ले चुका है, लेकिन लगातार इसे लेकर के गश्त यहाँ पे जारी है। वन विभाग की टीम एक्टिव है, टीमें लगातार सर्च वहां पे कर रही है बाघ को लेकर के, क्योंकि अभी तक 2 लोगों की जान ले चुका है ये बाघ और ग्रामीणों में बेहद दहशत और खौफ यहाँ पे देखा जा रहा है। हल्द्वानी नगर निगम की चेतावनी के बावजूद भी लोग खुले में कूड़ा फेंक रहे हैं, जिससे नालियां जाम हो रही है। इसी को लेकर के नगर निगम में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की बात कही गई है। नगर निगम हल्द्वानी द्वारा हाईवे पर विशेष सफाई अभियान चलाए जाने के बावजूद रामनगर रोड पर कूड़ा डाला जा रहा है। पेड़ के पीछे कूड़ा छुपाया गया है, पूरी तरह से उसमें प्लास्टिक है, थर्माकोल्स है और ऐसे हैं जैसे चावल के कट्टों के खाली कट्टे हैं, इन सब चीज़ों को छुपाया गया पेड़ के पीछे, अर्थात अवैध तरीके से कूड़ा का निस्तारण किया गया। हमारी गाड़ियां चल रही हैं, हमारे अभी 22 जगह पर हमारे सेकेंडरी स्टेशन बने हुए हैं, उसके बावजूद सड़कों के किनारे पर जो कूड़ा फेंकने की प्रवृत्ति में गिरावट नहीं आज देखी जा रही है। तो मैंने तय किया है कि मैं अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराऊंगा। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजरंग बली के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस ने आस्था पर चोट करने का काम किया है, ये बहिष्कार कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति है। तो कांग्रेस पर सीएम धामी का ये बड़ा हमला यहाँ पर देखने को मिला है। सीएम धामी ने बजरंग बली के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर यहाँ पर घेरा और कहा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। उनका ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर। कर्नाटक में कांग्रेस ने जिस प्रकार बजरंग बली का बहिष्कार और अपमान किया है, आस्था पे चोट करने का काम किया है, वो उनकी तुष्टीकरण की नीति है, ये यहाँ पर कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की धर्म और संस्कृति के उत्थान के प्रति समर्पण ही है, जिसकी वजह से आज कांग्रेस को भी हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। तो ये ट्वीट किया गया है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। उन्होंने सीधा हमला यहाँ पर कांग्रेस पर बोला, बजरंग बली के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए हैं, जमकर प्रहार किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वे पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार और नेताओं को दायित्व सौंपने जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत यहां हो सकती है। एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने जा रही है सीएम पुष्कर सिंह धामी की, और इस बीच कहा जा रहा है कि दोनों के बीच अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। न सिर्फ प्रधानमंत्री, इसके अलावा भी कई केंद्रीय मंत्रियों से भी पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात यहां पर तय हुई मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, आज सीएम धामी दिल्ली का दौरे पर रहने वाले हैं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। और अब खबर है चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई। चारधाम में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, मौसम सही होते ही यात्री रवाना किए गए हैं। सोनप्रयाग गौरीकुंड से 10,000 यात्री रवाना हो गए हैं। अब तक 1.5 लाख यात्री केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे मौसम खराब होने की वजह से लोगों को रोक दिया गया था आगे बढ़ने से, लेकिन अब एक बार फिर से लोगों की संख्या को आगे बढ़ा दिया गया है। सोनप्रयाग गौरीकुंड से 10,000 यात्री केदारनाथ धाम के लिए रवाना यहाँ से कर दिए गए हैं। अब तक 1.5 लाख श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। हालांकि यहाँ पर जिस तरीके से बर्फबारी बारिश हो रही है, कुदरती चुनौतियों के आगे लोगों को रुकना पड़ा। बीच जहां पर भी कहा गया कि वो पहुंचे हैं वहीं पर वो रुक जाए, केदारनाथ धाम की तरफ आगे ना बढ़े, लेकिन अब जैसे ही मौसम एक बार ठीक हो गया है यहाँ पर, उसके बाद से सभी को आगे की रवाना कर दिया गया है।
मौसम खुलने के साथ ही अब चारधाम में फिर से रौनक नजर आ रही है। गंगोत्री धाम में मौसम खुलने के साथ ही तीर्थयात्रियों की भीड़ यहां पर उमड़ रही है। गंगा घाट से लेकर के गंगोत्री धाम के बाजार में चहल पहल नजर आ रही है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक गंगोत्री धाम में 97,737 यात्रियों ने माँ गंगा के दर्शन यहाँ पे कर लिए हैं। वहीं यमुनोत्री धाम में 85,977 यात्रियों ने माँ यमुना के दर्शन किए हैं। दोनों धामों में अब तक 1,83,714 यात्रियों ने दर्शन यहाँ पर कर लिए हैं। मैं उत्तराखंड का चारधाम यात्रा करने के लिए आया। हम आके 4 दिन हो गया, यमुनोत्री का दर्शन अभी कम्प्लीट हुआ, अभी गंगोत्री का दर्शन आज करने जा रही हूँ। इधर 100 आसन है प्लेसेस, इधर भी देखे तो भी मन खुश हो जा रही। इधर आने के बाद इधर जाने का भी मन नहीं है, बहुत सुंदर है, बहुत क्या बोलते बोलने के भी नहीं आ रहा। नेचर तो इधर छोड़ के जाने का भी मन नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।